मेरा नाम समीक्षा है एंड मैं 22 इयर्स की हूँ। मैं आर्ट सीख रही हूँ जब से मैं 10 साल की थी। फिर बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद मैंने आर्ट एज अ सब्जेक्ट लिया था, तो टोटल में मैंने कुछ 6 साल आर्ट स्टडी किया है ऑफिशियली एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद मैं लंदन गई अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए, जिसमें मैंने फैशन बिजनेस पढ़ा है। और अब मैं मास्टर्स के लिए प्लान कर रही हूँ, मैं पेरिस जाने वाली हूँ फैशन मीडिया पढ़ने। तो आर्ट ऐसी चीज़ है जिससे मुझे हमेशा से बहुत प्यार था, बहुत शौक था। तो बहुत छोटे एज में मैंने ड्राइंग, स्केचिंग ये सब करना स्टार्ट किया था। तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ समथिंग आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन, तो आई डिसाइडेड कि मैं उसको सब्जेक्ट की तरफ पढ़ूँ ताकि मेरा स्किल थोड़ा रिफाइन हो जाए। और 2019 में मैंने एक एग्जीबिशन किया था यूजिंग द टेक्निक ऑफ फ्लूइड आर्ट। तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक जिसको मैंने रिसर्च करके ढूंढा था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मुझे करने में काफ़ी मज़ा आएगा, तो मैंने किया। आई डिड एन एग्जीबिशन इन अहमदाबाद ओनली, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहा। ओरिजिनली मेरी फैमिली राजस्थान से है, बट हम सब अहमदाबाद में ही रहते हैं। और पिछले 4 साल से मैं लंदन रह रही हूँ, बट अभी मैं वापस आई थी छुट्टियों के लिए, तो मेरे पास कुछ टाइम था, तो आई थॉट मे बी आई शुड रिवाइव माय पैशन फॉर आर्ट। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी एक पेंटिंग्स बनाऊँ और उसको एग्जिबिट करूँ। इन पेंटिंग्स का बेसिक आइडिया इज़ इमोशंस। तो डेली लाइफ में हम बहुत सारे इमोशंस देखते हैं, जैसे पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन, और जहाँ देखो वहाँ इमोशंस दिखते हैं। तो मेरा ये आइडिया था कि मैं इन इमोशंस को अपने आर्ट के थ्रू बाकी वर्ल्ड को डिपिक्ट करूँ, दिखाऊँ कि किस तरह से हम ये इमोशंस देखते हैं बट वो मिस हो जाते हैं। तो ये मेरा मेन फोकस था। मैंने 28 पेंटिंग्स का क्यूरेशन बनाया है, और ये सब पेंटिंग्स मैंने कैनवस पे की है यूजिंग एक्रिलिक पेंट्स। इस एग्जीबिशन से जो भी मैं अर्न करूँगी वो मुझे जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करना है। वो एक एनिमल वेलफेयर एनजीओ है इन अहमदाबाद। मैं और मेरी फैमिली बहुत बड़े एनिमल लवर्स हैं। मेरे पास एक डॉग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल द एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड उनको वो केयर और वो ध्यान मिलना चाहिए। कई सारे एनिमल्स होते हैं जो निगलेक्ट हो जाते हैं, जिनको जो बीमार हो जाते हैं, बट जीवदया ऐसा एनजीओ है जो इन सब एनिमल्स का ध्यान रखता है, हर जगह से उनको रेस्क्यू करते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत पर्सनल और बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो भी मैं अर्न करूँगी वो मैं उस चैरिटी में डोनेट करूँगी। अपने पेंटिंग्स का अर्निंग मैंने जीता है, मैं डोनेट करना इसलिए सेलेक्ट किया बिकॉज पिछले साल ऐसा हुआ था कि हमारे घर के टेरेस पे हमने देखा था कि बहुत छोटा सा बेबी मंकी था जो इंजर हो गया था, और वो शायद अलग हो गया था अपने फैमिली से। तो हम लोग समझ नहीं पाए कि हमें क्या करना चाहिए बिकॉज वो काफ़ी पेन में था। फिर हमने जीवदया को कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने उस मंकी को रेस्क्यू किया, हमको अप टू डेट रखा कि वो उनका कैसे ध्यान रख रहे हैं। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि मैं उनको अपने डोनेशंस दूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम एनिमल्स के बहुत बड़े लवर्स हैं, तो फिर अगर वो लोग इस तरह से ध्यान रखते हैं, इतना केयर करते हैं उनके लिए, तो वो कॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैंने उनसे ये इंसिडेंट से इंस्पायर होकर उनको सेलेक्ट किया अपना चैरिटी डोनेट करने के लिए।